कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस आपके साथ 24 घंटे है और जैसा आप चाहते हैं वही इंजाम उनके लिए होगा। अंजाम हम देंगे और उनको बिल्कुल पकड़ के आपके सामने लाएंगे। जिस तरह अभी तक मैंने बताया कि 3 गिरफ्तारी हुई है, आप थोड़ा सा समय दें, जो और भी गिरफ्तारियां हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। और पूरा कहीं भी आप ये ना सोचें कि पुलिस किसी तरफ से कोई चूक छोड़ेगी, किसी भी एंगल पे हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हर एंगल से हम उन मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय और दें, सारे ही दोषियों को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। आप हमें एक हफ्ते का टाइम और दे। कोई मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर हुई फायरिंग का मामला आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज सभी व्यापारियों ने मातूराम का साथ देते हुए पूरे गोहाना शहर को बंद कर दिया। इस दौरान व्यापारियों के बीच एसीपी नरेंद्र खटाना भी पहुंचे। कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस आपके साथ 24 घंटे है और जैसा आप चाहते हैं वही अंजाम उनके लिए होगा। अंजाम हम देंगे और उनको बिल्कुल पकड़ के आपके सामने लाएंगे। जिस तरह अभी तक मैंने बताया कि 3 गिरफ्तारी हुई है, आप थोड़ा सा समय दें, जो और भी गिरफ्तारियां हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। और पूरा कहीं भी आप ये ना सोचें कि पुलिस किसी तरफ से कोई चूक छोड़ेगी, किसी भी एंगल पे हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हर एंगल से हम उन मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय और दें, सारे ही दोषियों को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। आप हमें एक हफ्ते का टाइम और दें। कोई इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन पर जमकर सवालों की बौछार की और आखिर में व्यापारियों ने प्रशासन को 5 फरवरी तक का समय दिया। प्रशासन से बातचीत में क्या हल निकला, इस बारे में हमारे संवाददाता सुनील जिंदल ने व्यापारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष और कई लोगों से बातचीत की। 21 जनवरी की सुबह गोहाना की पुरानी नज मंडी के बाहर लाला माथुराम के दुकान के बाहर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद जो है व्यापारियों में रोष दिखाई दिया, आज पूरा गोहाना बंद दिखाई दिया। क्या फैसला जो है लिया गया, प्रधान जी हमारे साथ जानते हैं, आज पूरा गोहाना बंद नजर आया, क्या फैसला लिया गया है, इस फैसले से क्या कहना चाहोगे? देखो जी, फैसला तो ये लिया गया है, जो आज ये 3-4 दिन मांग रहे थे, पहले ACP मैम अंधे सोमवार का दिन मांगा था, एक बार सोमवार तक का हमारे को टाइम दे दो। फिर हमने डिस्कस करके ने एक तो SIT टीम लगवा दी, भाई आज जाए वो गठित करी जा। फिर उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करी, वो बोले कि आज ही गठित हो जाएगी। और वो तो 3-4 दिन का टाइम मांग रहे थे, फिर हमने अपना टाइम खुला देते हुए सोमवार का दिन दे दिया। मगर आपने आते ही सोमवार का दिन मांगा था, हम सोमवार तक आपका टाइम देते हैं, ना तो मंगलवार को पूरा हरियाणा बंद रहेगा, जैसे आज गोहाना बंद रहा। SIT का गठन किया जाए, इसके अलावा और क्या मांगे हैं? क्योंकि अभी जो पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे थे उनका कहना है कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है, क्या लगता है इस पूरे मामले में? देखो, वो तो पुलिस का मामला है, वो अभी लिखित नहीं कर मना कर दिया उन्होंने। अब अभी मामला गर्म महर लिखित ना करवाओ और भी पकड़ने हमने मुलजिम। तो लगातार जो है एनकाउंटर की बात भी सामने आ रही थी और उसके बाद उनको ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में किस गैंग का हाथ है, उसको भी जो है पुलिस जल्द से जल्द सामने लेके आए, क्या कहना है इसको लेकर? वो ACP ने जो कहा है, नरेंद्र खटाना जी ने कहा है, हम जल्दी से जल्दी हम 3-4 दिन में सबके सामने ले देंगे। तो संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट है जी, हम तो प्रशासन का धन्यवाद करेंगे इस बात पर, हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो आज पूरा गोहाना बंद रखा गया, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पूरा गोहाना? मैं सबसे पहले तो पूरे गोहाना का 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी कॉल पे सारे प्रतिष्ठान बंद रखे, इवन रेडी फड़ी वाले भी नहीं खुले। तो मैं समझता हूँ कि गोहाना का सौभाग्य है और गोहाना ने इसका साथ दिया है,
और ये इसमें मजबूती का एक एहसास कराया है। और प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 5-4 दिन में समस्या का हल कर देंगे, और नहीं प्रशासन ने किया तो पूरा हरियाणा बंद की कॉल जो प्रधान जी ने की है वो पूरा हरियाणा भी बंद कर दो। तो इस बात को लेकर किसी और मंत्री से, गृह मंत्री से, किसी और से मुलाकात की? रेगुलर उनसे बातचीत चल रही है, सीएम साहब से भी बात चल रही है। ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे हमारी वार्तालाप ना हो रही हो, लेकिन जब तक रिजल्ट ना आ जाए जब तक हमें मानेंगे सबको शून्य है। आपका क्या कहना प्रधान जी, जिस तरह से आज सबसे बड़ी तो ये बात है हमारे प्रधान जी की मेहनत से, चेयरमैन साहब की मेहनत से, 36 बरादरी का जो भाईचारा आज गोहाना में जो इकट्ठा हुआ है इससे हमारे बहुत मजबूत हुआ है, और हमारा 2-4 दिन में फैसला ये हो जाएगा, नहीं तो सोमवार तक का प्रधान जी ने टाइम दिया गया है। तो बिल्कुल एक कमेटी यहाँ 11 सदस्य कमेटी आज यहाँ बनाई गई है, और खुद गोहाना के जो ACP हैं वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो बाकी आरोपी हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और पूरे मामले में एक SIT का भी गठन जो है किया जाएगा। व्यापारियों ने भी अगले सोमवार तक का समय दिया है ताकि जो है जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके। अगर व्यापारियों का कहना है कि सोमवार तक पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती आरोपियों को, तो मंगलवार से जो है गोहाना की बजाय जो है पूरा हरियाणा भी बंद करना पड़ा, तो उससे भी पीछे व्यापारी नहीं हटेगा। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। वही मौके पर पहुंचे ACP नरेंद्र खटाना ने क्या कहा सुनिए। चेयरमैन और बाकी सारे लोगों ने प्रशासन को समय दिया है कि आप सोमवार तक प्रयास करेंगे, उससे पहले हम कुछ ना अभी मैं आपको बता दूं कि हम निरंतर इस पे काम कर रहे हैं, और 3 गिरफ्तारियां अभी तक हम कर चुके हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम आपको कोई आगे जो मेन मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी करें। सर कोई SIT की भी बात आई है? SIT के लिए इन्होंने डिमांड रखी है, जो इसमें जल्दी ऊपर अधिकारियों को बता के SIT बना दी जाए। मैं गोहाना वासियों को ये कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल पुलिस पे विश्वास रखें, और पुलिस सदैव उनके साथ है, सुरक्षा उनकी हमारी जिम्मेवारी है और उनकी सुरक्षा है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस 7 दिन के भीतर सभी बदमाशों की गिरफ्तारी कर पाती है या नहीं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।